मिले, तो हमने भी सोचा एक छोटी सी परिचर्चा करते हैं। आज मैं अपने प्रधान संपादक के कार्यालय के अंदर जाने वाला हूँ। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं पंचायत के, और पंचायत चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और उसकी जो सरकार है उसके पीछे एक रार छिपी हुई है। आज इस पूरी बात का विश्लेषण हम करेंगे हमारे प्रधान संपादक जी जितेंद्र कमल जी के साथ। जितेंद्र सर, कैसे हैं आप? अभी मैंने आपसे चर्चा करी कि पंचायत चुनाव के नतीजे कुछ समय पहले घोषित हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे ज्यादा नहीं गए थे, तो आज मैंने सोचा एक परिचर्चा करते हैं जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया था। मेरे साथ कबीर न्यूज़ के प्रधान संपादक आदरणीय जितेंद्र जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और विधायक होने के बाद भी वो उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं कर पाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल तो मेरा सुन ही लिया था। बिल्कुल, पूरी जनता को, सभी जनता जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। माँ जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो अहम है, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए। सुनील बंसल जी कल कानपुर आए, उन्होंने जिस तरह से बैठक की और कई प्रश्न उठ के सामने आए, उसमें ये भी कहा गया कि एमपी और एमएलएज नहीं आए यहाँ पे काम करने के लिए या उनके पीछे काम नहीं हुआ, तो पंचायत चुनाव को देखा जाए तो बुरा प्रदर्शन रहा। आप 2014 में भाजपा का प्रदर्शन देख लीजिए, इसके बाद 2017 की विधानसभा में प्रदर्शन देख लीजिए, 19 में प्रदर्शन देख लीजिए, जबकि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद मोदी जी आए और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। प्रधानी चुनाव हो या जिला पंचायत के चुनाव हैं, या इनको कहते हैं हम लोग पंचायत चुनाव, मेन ये होते हैं कि वो या तो स्थानीय नेता के चेहरे पर लड़े जाते हैं और या थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमारे सीएम के चेहरे पर लड़े जाते हैं। तो आप आंदोलन एकदम अपने उफान पे है, वो 6 मंथ जो हम लोग काउंट करते हैं सितंबर से लेके अब तक का, उसमें बीच में था, तो कहीं ना कहीं किसानों में एक रोष था, वो ये दिखाना चाहते थे सरकार को कि आप केवल मनमानी नहीं कर सकते, वोट हम देते हैं, सत्ता हम बनाते हैं, इस लोकतंत्र में लोक की क्या कीमत होती है वो उन्होंने बताने की कोशिश की। मतलब तानाशाही नहीं हाँ, चलेगी। तानाशाही किसी भी तरीके की आपकी नहीं चलेगी, कि आप कोई भी विधेयक लाए फिर इसको कानून बना दे इसके बाद थोप दें, ये नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये रीजन, जो मेन रीजन रहा कोरोना, कि सरकार ने जो पिछली बार जिस तरह से पिछले पिछले सालों में जिस तरह से कदम उठाए, इसके बाद अपनी पीठ थपथपाई, फिर अभी आके कोरोना के काल के बीच में ही जब लोग मर रहे थे, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी, कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं थी जो एक घर का व्यक्ति अपने परिवारजन को, अपने इष्ट मित्रों को बचाने के लिए उठा सकता, वो कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो इस बीच में चुनाव कराने का क्या मतलब था, बंगाल के चुनाव कराने का क्या मतलब था, वहाँ भी हार गए सर एक तरह से, वहाँ भी हारे। तो मेन रीजन ये भी रहा कि इस चुनाव, जिसको हम लोग भाजपा को बोलते हैं 24/7 की राजनीति करने वाली पार्टी है, वो मतलब 24 घंटे वो राजनीति करती है। अभी आपने देखा होगा कि भयावह स्थिति चल रही, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में मीटिंग चल रही थी, यहाँ पे भी परिचर्चा चल रही है योगी जी के उसके लेकर। तीसरा कारण जो मेन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि नेताओं में आपसी द्वंद्व है, यहाँ समन्वय नहीं है नेताओं में, यहाँ कोई किसी दूसरे को बढ़ते हुए, खैर ये भाजपा की नहीं सभी पार्टियों की कहानी होती है। मान लीजिए किसी क्षेत्र का कोई एमपी है, उसी क्षेत्र का एमएलए है, अगर प्रत्याशी ने एमएलए की फोटो लगा दी और एमपी की नहीं लगाई तो एमपी नाराज, तो ये चीज़ें वहाँ देखने को मिली होंगी, इस वजह से एमपी और एमएलए ने उनका मैं आपकी बात पर एक बात जोड़ूंगा। अभी हमारे संपादक जी ने कहा एमपी और एमएलए की नाराजगी। जितेंद्र जी, हम जब ये बात करते हैं एमपी एमएलए की तो मुझे वो जूता कांड याद आता है, तो आप अगर उस समय को याद करें तो क्या वो हालात दोबारा बनने वाले हैं जो समन्वय नहीं बैठ रहा है? बिल्कुल, अभी उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि 126 विधायक जो भाजपा के हैं, वर्तमान सत्ता में हैं, वो पलायन करने वाले हैं दूसरी पार्टी। भाजपा के विधायकों के ऊपर नज़र बना के बैठे हैं सपा के, बसपा के, कांग्रेस की, कैसे ये लोग आएँ और हमारे पाले में आ जाएँ, तो ये स्थितियाँ बनेंगी। पंचायत चुनाव में ये चीज़ दिखा गई।
आपसी समन्वय ना होने के कारण 600 सीट तक, लगभग 600 सीट तक जो अच्छे पत्रकार दावा, अच्छे अच्छे अखबार दावा कर रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि 600 सीट तक भाजपा नहीं पहुंची। उसका मेन रीजन यही था कि आप मान लीजिए कि कोरोना, ये तीन रीजन जो थे मुख्य यही थे। आपसी समन्वय तो बन ही नहीं पा रहा है इन लोगों का। आपसी समन्वय की कलाई तो यहाँ तक खुल के आ गई कि आरएसएस को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है सेंट्रल बॉडी में और अपने लोकल बॉडी में। लोकल बॉडी इन द सेंस मतलब अपने राज्य की बॉडी पे, जो स्टेट की उनके है। उसका कल से आप देख रहे हैं कि योगी जी का बर्थडे था, लेकिन किसी भी केंद्रीय संगठन ने, किसी भी की तो बात छोड़ दीजिए, जिनकी हम बात करते हैं, आज किसी दो ही लोगों पे केंद्रित हो गया है ना, तो उनने भी उनको ट्वीट कर तक बधाई नहीं दी। तो आज मोदी जी की फोटो योगी जी ने गायब कर दी। कल 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 जो यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है, उसमें नमामि गंगे का प्रोजेक्ट देखिए, फोटो नहीं है। तो आप भूलिए, हम गायब करते रहेंगे। सामंजस्य वहाँ नहीं बन रहा है तो यहाँ लोकल बॉडी में कैसे बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जितेंद्र जी ने कि एक तरह से जब योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बधाइयां प्रेषित नहीं करी गई तो फोटो गायब कर दी गई। जितेंद्र जी, क्या हम ये मान लें कि योगी अब पूरे तरह से यूपी के हो गए या यूपी योगी का हो गया है? क्या मोदी का कोई स्थान नहीं बचा है यहाँ पे? कहना अतिशयोक्ति हो जाएगा, बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि योगी जी और मोदी जी में जो अंतर है वो कह सकते हैं काफ़ी बड़ा है। योगी जी की अपेक्षा मोदी जी कुशल राजनीतिक हैं, बहुत बड़े राजनीतिक हैं। उन्होंने, हम जब से गुजरात से उनको अगर देखा जाए, उनके राजनीतिक करियर को देखा जाए, उनके राजनीतिक फैसलों को देखा जाए, राजनीतिक परिवर्तन को देखा जाए, तो उन्होंने जो परिवर्तन किए, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी जी कितनी बार सांसद चुने गए थे। 5 बार के सांसद हैं। 5 बार सांसद थे। 5 बार के सांसद होने के बावजूद 2017 का चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा गया, वो भी मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया। तो कहीं ना कहीं जब सेंट्रल बॉडी से लोग यहाँ पे आके, जैसे बी एल संतोष जी आए थे, यहाँ पे आए थे, उन्होंने इन्हें परिचर्चा करी, आके देखा आके कि योगी जी का कार्यकाल कैसा चल रहा है। तो ये चीज़ तो सेंट्रल बॉडी में भी, कोरोना पे अगर देखा जाए तो फेल अगर कोई चीज़ कही जा सकती है तो आप मोदी सरकार भी फेल हुई, जरूरी तो उनके लिए भी सारी चीज़ें। लेकिन आप योगी जी के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि अगले साल चुनाव लग रहा है, और जैसा हम लोग वापस में बैठ के हमेशा बात करते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके गुजरता है, तो ये हो सकता है कि योगी जी गोरख के मठ दिन अब उत्तर प्रदेश के भाजपा के मठाधीश की ओर अग्रसर हो गए। क्योंकि जिस तरीके से इतनी परिचर्चा के बाद, इतने मंथन के बाद भी योगी जी को कोई डिगा नहीं पाया, तो हो सकता है बड़ी बात। 22 का चुनाव होने जाने में मात्र 7 से 8 महीने बचे हुए हैं अभी। अगर 22 का चुनाव योगी जी जीत लेते हैं तो आगे की राह उनके लिए कितनी आसान होगी और नरेंद्र मोदी के लिए काशी की राह कितनी कठिन होगी, इस पर आप हमारी जनता को कुछ बताइए। ये बड़ा पेचीदा सवाल है कि अगर देखिए, यूपी से लगातार 2 बार सीएम होने का मतलब, जिस पार्टी का भी सीएम हो, अगर वही पार्टी सत्ता में दोबारा लौटती है जाके वहाँ पे, तो उसकी जो वैल्यू है वो पीएम के बराबर हो जाती है जाके। और अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए तो मोदी जी ने खुद अपने 2 अक्टूबर के इंटरव्यू में कहा था, इस सन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बच्चों से जब चर्चा कर रहे थे गांधी जयंती पे, तो उन्होंने कहा था कि 14 से 19, 19 से 24 तो कोई भूल जाए, मैं ही पीएम रहूँगा, 10 साल तो मैं हूँ। तो उसके आधार पर देखा जाए कि शायद 2024 में वो आरएसएस की तरफ से या भाजपा की तरफ से प्रोजेक्टेड फेस ना हो। हो सकता है आरएसएस भी ये चाह रही हो कि उसका शताब्दी वर्ष आने वाला है 2024 2025 में, 1925 2025 में उसका शताब्दी वर्ष आ जाएगा, तो तब पूर्ण हिंदू राष्ट्र के लिए जो उनके लिए सबसे माकूल चेहरा बैठता हो वो बैठ रहा है योगी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं से योगी जब चुनाव जीतते हैं 2022 का, तो 2024 में मोदी जी की छवि को थोड़ा सा तो डाउन करेंगे। और शाह को नहीं चाहता है कोई भी कि यह पीएम पद के लिए आ गया है। हालांकि शाह अमित अपने नरेंद्र मोदी जी की पहली पसंद रहते हैं, लेकिन आरएसएस ने शायद ठान लिया है कि योगी जी को पहली पसंद बना के 22 में तो लाएंगे। एटलीस्ट यूपी का चुनाव उनके चेहरे पर लगने का मतलब हो गया कि मोदी को आपने दरकिनार किया है, तो 2017 में फेस बना के लाए थे। अब यो अपने मुख्यमंत्री उनके कामों पर ही, उनके एंटी इनकम्बेंसी पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करी। अभी जो हालचाल चल रहे हैं, आप किस प्रकार से विपक्ष की भूमिका देख रहे हैं? और खासकर मैं दो नाम आपसे पूछूंगा, पहला नाम अखिलेश यादव का और
और दूसरा नाम बहन जी यानी मायावती का। इन दोनों को आप इस पूरी घटना में कहाँ खड़ा पा रहे हैं, कितना मजबूती से देख पा रहे हैं? देखिए, अगर चुनाव पिछले चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो सूफड़ा साफ था। सपा के लिए कहा जा रहा था कि भाई मान लीजिए उनके लिए फिर भी ये कहने का था कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, शायद इसलिए हार गए। दूसरा रीजन ये कह सकते हैं कि उनका जो पारिवारिक कलह थी उसकी वजह से लोग कहते हैं कि हम चुनाव हारे, तो उनके पास बहाने हैं। वर्तमान में देखा जाए तो सपा के कुछ कार्यकर्ता जमीन में उतर के काम करे हैं। ऐसे कोरोना काल में उन्होंने कहीं ना कहीं सामग्री को वितरित किया है या किट वितरित की है, किसी तरीके से असहायों की मदद करते हुए देखे गए। लेकिन जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है वो आज भी ट्विटर पे है। मतलब टीपू भैया जो हैं ट्विटर पे हैं, जमीन पर नहीं है। बिल्कुल, भाजपा अगर सक्सेस है तो सबसे बड़े सक्सेस होने का उसका रीजन केवल है RSS। हालांकि भाजपा भी अपने केंद्रीय संगठन से बहुत काम करते हैं, लेकिन उनके पीछे बड़ा संगठन काम करता है। वो जमीन पे काम करते हैं, स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। उनको पता है कि हमें इस साल क्या करना है। देखिए, चुनाव अगले साल होने वाला है, विकट परिस्थितियां हैं। इसके बाद भी आज से ही समीक्षा शुरू हो गई है कि कौन हमारा CM होगा, किसके फेस पे लड़ा जाएगा। यहाँ तो खैर ये बात ही नहीं किसके फेस पे लड़ा जाएगा, किसके फेस पे नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन विपक्ष आज भी शून्यता की ओर, बिल्कुल शून्य है। निष्क्रियता का आलम यह है कि कभी मैं कल पढ़ रहा था कि अब मायावती जी दीगर हो गए वो जमाने जब मायावती किसी दुर्घटना के स्थल पर जाती थी। अब तो नहीं आती। ट्विटर से ही सारी मांगे चल रही हैं। ट्विटर से बैठ के चुनाव नहीं जीता जाता, और ट्विटर पे ही बैठ के RSS को हराया नहीं जा सकता। और हाँ, एक चीज़ और आप देखिएगा, भी कांग्रेस को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। कांग्रेस भी अगर किसी अच्छे फेस के साथ चुनाव लड़ती है यहाँ के, और कांग्रेस ने कोरोना काल में काम बढ़िया किया, यूथ कांग्रेस के जो उनके श्रीनिवासन ने बहुत अच्छा काम किया है, और हर जगह पे प्रियंका गांधी जी ने भी अभी बहुत अच्छा यहाँ पे आके काम किया है, अपनी किट भिजवाई है, सारी चीज़ें करी हैं। हो सकता हो कि BSP और सपा भी कहीं ना कहीं काम किए हों, लेकिन मीडिया है जैसे हम लोग से लोग भी नहीं पहुँच पाए, तो और जो पहुँच भी पाए होंगे कभी कभी इन पार्टियों को दरकिनार कर दिया जाता है। ये जो सत्यता है, हम लोग तक वो काम नहीं आ पाए हों या जनता को मालूम हो, लेकिन फिर भी काम को देखा जाए तो शून्य कह सकते हैं, नहीं उतने नंबर दिए जा सकते हैं। तो और कोई भाजपा को भी हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर नहीं दे रहे हैं काम को देखते हुए। विपक्ष की भूमिका के आधार पर तो मैं शून्य नंबर देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा मजबूत विपक्ष UP के अंदर खासकर इन दोनों की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया, यूटिलाइज नहीं किया गया वर्तमान समय को, तो विपक्ष तो नहीं है, उसका कार्य भी इसमें शून्य है। हाँ, लेकिन एक कोर वोट के दम पे अब ये देखना है कि 2022 का चुनाव कितने दिन तक लड़ा जा सकता है। अभी कोर वोट उनके पास है, वो छिटकता नहीं है, दावे करते हैं, और जो सारी पार्टियां कह रही हैं कि हम ब्राह्मणों की वोट पे कितना चुनाव लड़ सकते हैं, तो भी देखा जाएगा। अभी सर ने बहुत विस्तारपूर्वक हम सबको चीज़ें बताई, लेकिन अगर हम पंचायत चुनाव के नतीजे को देखें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा खुश हैं, और उन्हें लग रहा है कि पंचायत चुनाव में जो नतीजे आए हैं उनके समर्थित प्रत्याशियों के लिए वो कहीं ना कहीं सत्ता में उनकी वापसी कर सकते हैं। जितेंद्र जी, जो अखिलेश यादव जिस तरह से दलीलें प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके लिए राह बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि उनके प्रत्याशी एक भारी मात्रा में जीत के आए हैं, कितना ज़्यादा भारी आंकते हैं आप उनके इस बयान को? इस बयान का जो सही पहलू और सही सत्यता या कह दें जो भी हो, 2022 में पता चल जाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव कभी भी पार्टी के चुनाव नहीं होते, ये इंडिविजुअल चुनाव होते। मैं बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स जानता हूँ जो प्रत्याशी के सिंबल पे पार्टी के सिंबल पे लड़े हैं और हारे हैं। आप उन नेताओं से उम्मीद कर रहे हैं कि भीतरघात ऐसी जगहों पे होता है कि एक एक सिंबल पार्टी से दो दो लड़ रहे हैं कि मैं सपा से हूँ। मैं एग्जाम्पल अखिलेश यादव ही बहुत अच्छे से जानते होंगे, कहीं कहीं दोनों ने प्रत्याशी समर्थित उतारे नहीं, क्योंकि हमारे दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमसे टिकट मांग रहे हैं, दोनों को अगर नहीं देंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने प्रत्याशी ही नहीं उतारे। ये जरूर रहा है कि कुछ परसेंटेज ये जिला पंचायत के, ये कहा जाता है ग्रामीण इलाके के चुनाव होते हैं, तो ग्रामीण में भाजपा वैसे भी इतनी मजबूत नहीं मानी जाती है। हाँ, मोदी जी का फेस होता है, जैसे 2014 या 2019 के चुनाव में हम लोग ये कहते थे कि मैंने कई जगह सर्वे किया तो मैं उनसे अगर पूछता था कि क्या करोगे, किसको वोट दोगे, देंगे तो मोदी को। अरे तो कुछ किए नहीं, मान लीजिए ऐसा पूछा जाएगा, किए हो या ना किए हो लेकिन देंगे तो मोदी को, क्योंकि कहते हैं ऑप्शन नहीं है। एक ब्रांड, बच्चे से आप पूछिए क्या खाओगे, वो मैगी खाएगा।
तो एक ब्रांड चाहिए। पेप्सी पिएगा जो ठंडा, मतलब कोको कोला जैसे हो गया था जाके, तो वही चीजें थी कि मतलब प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो इतना ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग देख भी चुके हैं, 2019 के चुनाव में सपा बसपा मिल के चुनाव लड़ा था, सीटें आई थी 15, जहाँ ये कहा जा रहा था कि 55+ सीटें जाएंगी। तो इतना जमीनी कार्यकर्ता इतना ज्यादा है, और कितना आप उसको समेट सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कितना आप उन्हें बांध सकते हैं। भाई एक ही विधानसभा में एक प्रत्याशी, मान लीजिए तीन कैंडिडेट हैं, तीनों ने एक विधानसभा में कुछ नहीं होंगी तो 3 या 4 सीटें तो होती हैं जिला पंचायत की, एवरेज में मान लेते हैं। तो अपना अपना एक कैंडिडेट उतार दिया उन्होंने, अब आप उसके किसी एक कैंडिडेट को दोगे तो दो तो आपसे छिटक गए ना। तो ये जिला पंचायत की कहानी होती है। तो इतना उत्साहपूर्वक नहीं रहना चाहिए, जमीन पे मेहनत करनी चाहिए, तभी कुछ आगे हो पाएगा। ये नतीजों को तो वो भूल जाए। हाँ ये होता है कि हाँ जिला पंचायत हमने बनाए, जिला पंचायत अध्यक्ष बना लेंगे, अभी तो पता चल जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष कितने सपा के बनते हैं, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कानपुर देहात में 5 से 7 तो इन्हीं की भाजपा तोड़ के ले गई, 12 थे इनके करीब, तो 12 में से उनके 9 हैं, देखिए कौन बना लेता है। बहुत हम लोगों ने काफ़ी बातें करी। अब हम लोग खुद कानपुर से आते हैं और हमारा कार्यालय भी कानपुर में स्थित है, तो कानपुर में कल या परसों एक मीटिंग हुई थी स्टेटस क्लब कैंट में, वहाँ पर सुनील बंसल जी आए थे। भाजपा विधायक और सांसदों के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया था और कहा गया था कि इन्होंने चुनाव में उनकी सहायता नहीं करी, इसलिए वहाँ पे प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। आज मैं ये जानूंगा और एक प्रकार से ये आखिरी सवाल लूंगा जितेंद्र जी से कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे जो भारतीय जनता पार्टी की, खासकर कानपुर की जो पूरी बेल्ट है, कानपुर देहात, नगर ग्रामीण, वहां पर बुरी तरह से परास्त हुई है भाजपा। आखिर क्या रहा वो कारण, भाजपा क्यों इतनी बुरी तरह से हार गई जब सांसद विधायक का यहाँ पे सब कुछ भाजपा का है, उसके बाद भी भाजपा की इतनी बुरी हार यहाँ पे हुई है। यहाँ पे मास जी कोरोना ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया है कानपुर के अंदर, क्योंकि मैं फील्ड पे रहा हूँ, मैंने देखा था। लेकिन जब मैं गांव पहुँचता था तो, और नुक्कड़ में बैठे लोगों से या किसी और लोगों से पूछता था, तो सबसे बड़े दो कारण होते। हालांकि ये बाद में जब प्रत्याशी जब चुनाव हार गए हैं, दूसरा कारण बाद में मुझे ज़्यादा स्पष्ट हुआ। दो मेन कारण थे, एक फोटो, फोटो जैसे ब्रांडिंग जिसे कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की हर जगह फोटो मिलेगी, अब तो वैक्सीन के सर्टिफिकेट में फोटो मिल रही है। तो फोटो की वैल्यू जो नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को करवा दी, वो नरेंद्र मोदी जो फोटो की वैल्यू अपने लिए मैनेज करते हैं, वो हर नेताओं ने अपने दिमाग में बैठा ली कि मेरी फोटो कहाँ है। मैंने आपसे कहा कि यहाँ अगर ये लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, विधायक चुनाव जिता के लाने की क्षमता रखता है कि विधायक चुनाव लड़वाता है, मान लीजिए विधायक है उसी जगह एक बड़ा लीडर है, वहीं पे एमपी है, विधायक की फ़ोटो लगा दिए तो बड़ा लीडर और एमपी नाराज, फोटो की ब्रांडिंग ही नहीं हो रही है। आप चुनाव जीत के ले जाएंगे, आपकी ब्रांडिंग नहीं हो रही है, तो जो दूसरा पक्ष है कहीं से भी सपोर्ट नहीं किया। दूसरा, गांव का आदमी इस बार कसम खा के बैठा था कि सबक सिखाएंगे, किसानों ने खासकर, गाँव में किसान ही है, 2 जून की रोटी करने के लिए दिन भर इधर उधर जाता है, अड़ाती है क्योंकि उसको पैसा नहीं मिलता है। तो किसान आंदोलन को जितने ये संगठन अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने किसानों के दिमाग तक पहुंचा दिया, अंतिम पंक्ति के दिमाग तक पहुंचा दिया है कि किसानों का जो बिल है वो हमारे लिए अहितकर है टोटल। तो किसानों ने कहा था कि अब हमें बीजेपी को वोट नहीं करना है, कहीं जीते होंगे, मैं मानता हूँ कि कहीं बीजेपी जीती होगी, तो जीती होगी अच्छी बात है, वहाँ का जो कैंडिडेट होगा ना वो मजबूत होगा, उसके खुद के वोट अच्छे होंगे। लेकिन जहाँ हारी है मार्जिन, जैसे 1000 वोट, 2000 वोट, 3000 वोट, तो वहाँ किसानों ने चिताया है कि आप तानाशाह नहीं हो सकते हैं, आप हर बिल को ऐसे नहीं ला सकते हैं कि आप रात में लाएं, इसकी वजह से GST में झालरें जलवा दी गई, आप भी जलवा देते, किसान एकदम अमीर हो जाएगा, 2022 तक दुगनी आय नहीं होने वाली है किसी की। तो ये जो वादे किए और पूरे नहीं किए, उसका ये असर था। दो ही रीजन मैंने बताया, किसान और दूसरा इनके अंदर का जो भीतर घात है, इस वजह से कानपुर में ये हाल हुआ। फिर बता रहा हूँ, जो जीते भी हैं ये लोग, वो केवल केवल वहाँ के कैंडिडेट के प्रभुत्व की वजह से, उनके विचार की वजह से, उनके नेचर की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से, व्यक्तिगत जो व्यवहार था, व्यक्तिगत जो वोट था वो था। और 1-2 हज़ार से जो हारे हैं तो वहाँ समझ जाना चाहिए इनको, वहाँ किसानों के प्रति इनका रोष था। तो मेरे साथ आज मेरे प्रधान संपादक ने एक बहुत लंबी चर्चा करी, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बात करी और जाना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या सरगर्मी चल रही है,
क्यों भाजपा चुनाव हार रही है, क्यों टीपू मजबूत नहीं है, क्यों कांग्रेस से लोगों को अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, और आखिर बहन जी कहाँ हैं। इन सब सवालों के हमने जवाब जाने हैं। उम्मीद करूंगा कि इस लाइव में आप हम सबके साथ जुड़े होंगे और आने वाले समय में भी जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए कबीर न्यूज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।